नमस्कार, स्वागत है आपका सैम्स डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल। ये हमारे यहाँ जो भाई रह रहे हैं विजय, तो उसका चूल्हा है जो लकड़ी जलाते हैं उसमें से ये राख निकलती है, बचती है। ये हम इसको खातर के यूज में यूज करते हैं। ये जैसे गाय का गोबर है उससे भी ये राख बढ़िया खाती है। जो हमने बैंगन बोए थे उसमें बैंगन आने लगे हैं, उसमें डाल देते हैं खातर के रूप में। गोबर नहीं है ये, प्योर राख है। तो लकड़ी जलती है उसमें से निकला हुआ। उसमें थोड़ा थोड़ा बैंगन के पौधे में दे देते हैं। हाँ, यहाँ से शुरू करो, थोड़ा थोड़ा ही है। हाँ, इससे ही दो बस, ये बाहर नहीं गिराओ, बस इतना ही। ये पौधे के लिए उत्तम खुराक है। लो इसको दो थोड़ा थोड़ा। हाँ, आपके पीछे रह गया, और वो बड़ा है उसको थोड़ा ज्यादा दो, उसको दो, वो बड़ा है। हाँ, डाल दो सबको। ये नींबू को भी डालो थोड़ा। हाँ, उसको भी डालो। ये राख है ना, वो ऐसी उसमें गुणवत्ता होती है। गाय के गोबर से भी ये अच्छा है, और ये वनस्पति के लिए एकदम सुपाच्य है। ये वनस्पति आसानी से इसको ग्रहण कर सकती है, इसका लिक्विड फॉर्म भी आसानी से हो सकता है, इसलिए वनस्पति इजीली ले सकती है। और कई ये जो कीटक और राख से दूर रहते हैं, ये हम ऐसे मोलो मसी आती है तो उसके ऊपर ये राख का छिड़काव करते हैं तो वो चली जाती है। कई ऐसे जीव है उसको ये राख पसंद नहीं है, इसलिए वो चले जाते हैं। वैसे पंजाब में ये पूरे खेत जला देते हैं डांगर के, वो उत्पादन ले लेते हैं फिर खेत जला देते हैं, वो गलत बात है। हाँ, खेत के लिए अच्छी बात है क्योंकि इसको खातर मिलने वाला है, लेकिन ये प्रदूषण करता है। वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा होता है तो ऐसे खेत नहीं जलाने चाहिए। ये तो चूल्हा जला रहे हैं तो इसकी राख है, वो खेत में तो कितनी सारी एकत्री होती होगी और कितना प्रदूषण होता होगा वहाँ तक है। ऐसे छोटे पौधे के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है राख, प्रदूषण के लिए गलत बात है, वो खेत जला देते हैं वो। लेकिन यहाँ रोटी पकाने के लिए फार्म पे और कोई रास्ता नहीं होता, यहाँ नहीं गैस होता, नहीं ऐसे कोई पेट्रोल वाला या केरोसिन वाला स्टोव नहीं रखते, तो ये लकड़ियाँ ही जलाते हैं। बहुत बबूल है हमारे पीछे, वो या तो ये खेत के रक्षण के लिए वाड़ बनाने में काम आते हैं या तो जलाने के लिए काम आते हैं। वो बबूल के कोयले भी बनाते हैं लोग, उससे सगड़िया चलती है। तो हम ये यूज इसका कर रहे हैं पौधे के लिए, तो ये पौधे को बेनिफिट मिलेगा, समझो हमको मिला, क्योंकि ये बैंगन अच्छा देगा। जीव जंतु इससे दूर रहेंगे तो बैंगन हेल्दी होंगे। ये ऐसी कोई दवाई हम नहीं छिड़कते ये पौधे पे कि जिससे पेस्टिसाइड बोलते हैं, ऐसी नहीं छिड़कते, तो हम ये ऑर्गेनिक ही रखते हैं। इसको राख ऑर्गेनिक में आती है। तो ये
अच्छी बात है, बैंगन आने लगे है, हम निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, लेकिन कोई कोई पौधे में थोड़ा कम पोषण दिखता है, तो ये राख उसको पूरा पोषण कर देगी और जीव जंतु से दूर रखेगी, तो हमको बैंगन भी अच्छे मिलेंगे, स्वच्छ मिलेंगे, बिना जंतु वाले मिलेंगे। ये ज़्यादा राख है तो आप गाय का गोबर जहाँ रखते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, उसको भी ये जो हम इकट्ठा हुआ गोबर वो खेत में ही डालने वाले हैं, तो पूरे खेत में वो थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, तो वो भी बेनिफिट मिलेगा हमको। ऐसे ही फेंक देने से कोई मतलब नहीं है, इसका यूज लेना ही चाहिए, क्योंकि कई लकड़ियाँ चल के इतनी राख होती है, तो इसमें ये पौधे को पोषण के लिए वो सब चीज़ है। जो लकड़ी बड़ी हुई थी वो समझो बबूल, भले बबूल था लेकिन उसका ही ये राख है, बाय प्रोडक्ट है। जो गैस था वो हवा में चला गया, पानी था वो सूख गया। वैसे पंच तत्वों बोलते हैं, वो पंच तत्वों का एक तत्व ये है जो जमीन में से लिया है वनस्पति ने, जो भी वनस्पति जलाई है, भले बबूल जलाए है, लेकिन इसने जमीन में से जो लिया है खुराक के रूप में वही ये वापस दिया है। हमने बबूल को नहीं दिया वापस, बैंगन को दिया, ये हमारे ज्वार के लिए दे रहे हैं जो गोबर डालते हैं उसमें आ गया, लेकिन जो जमीन में से निकला वही ये पदार्थ है, तो ये मिट्टी में ही मिलना चाहिए इसको, तो ये काम में आएगा। लिया है वनस्पति जमीन में से, वो जमीन में हम वापस कर दें।